संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी आंकड़ों में इस बात का खुलासा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक चीन की मौजूदा जनसंख्या 142.57 करोड़ है, जबकि भारत की आबादी 142.86 करोड़ पहुंच गई है। यानी भारत में चीन की आबादी के मुकाबले लाखों की संख्या में लोग ज्यादा हैं। और इसे लेकर केंद्रीय मंत्री और बिहार के नेता गिरिराज सिंह ने समुदाय विशेष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि एक समुदाय है जो 12 बच्चे पैदा करता है। उनका मानना है कि अगर हमारे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनी तो एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता आसित नाथ तिवारी ने पलटवार करते हुए कहा कि आंकड़ों के जरिए बीजेपी सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने वाली है, वो सिर्फ मुस्लिमों को निशाने पर रखेगी। वहीं जेडीयू की ओर से भी प्रतिक्रिया आई और जेडीयू की ओर से कहा गया है कि जनसंख्या का बढ़ना चिंताजनक है, लेकिन यह शिक्षा के संवर्धन से ही काबू पाया जा सकता है। नाम नहीं लेना चाहता। ओवैसी कहते कि धमकाते हैं, लोगों को डराते हैं आबादी के नाम पर। डरा नहीं रहा हूं। आज देश में लगभग 150 जिले हैं जहां की फर्टिलिटी रेशियो बढ़ गया है। किन की आबादी? ये आबादी उन्हीं की है जो दर्जन बच्चा पैदा करते हैं, एक खास समुदाय के। हम समझते हैं कि केंद्र की सरकार को बगैर राजनीतिक वैमनस्य के, धार्मिक वैमनस्य के बांग्लादेश मॉडल का भी अवलोकन करना चाहिए और इस बात का एहसास होना चाहिए कि चीन जैसे देश ने जब इसको जबरदस्ती लागू करने का किया तो उसके दुष्परिणाम भी आए। समग्रता में इस मामले पर विचार करना चाहिए। ये आज हम दुनिया की सबसे बड़े आबादी वाले देश में शामिल हो गए। एक्सपर्ट अनुमान लगा रहे थे कि 2040 आते आते ऐसा होगा, 2023 में हो गया। तो आप समझिए कि कितना तेजी के साथ यहाँ की जनसंख्या बढ़ रही है और कौन कौन लोग हैं जो जनसंख्या बढ़ाने में लगे हुए हैं। और लोग, कुछ लोग इसमें भी अपना पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये विशुद्ध रूप से राजनीति से ऊपर की चीज़ है। जो सच है वो ये है कि उस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि भारत में जन्म दर, प्रजनन दर बहुत ही आदर्श स्थिति में है। प्रजनन दर मात्र 2 है, लेकिन औसत आयु बढ़ी है लोगों की, इसलिए जनसंख्या बढ़ी है। औसत आयु जो 1960 तक भारत में 50 वर्ष थी, वो बढ़कर अब 62 हो गई है। तो ये तो अच्छी खबर है। तो जनसंख्या को लेकर अब राजनीतिक गलियारे में खींचतान मची हुई है। बिहार की आबादी भी कोई कम नहीं है और बिहार में आबादी नियंत्रण को लेकर जो सत्ताधारी दल हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उनकी अलग राय है। जनसंख्या नियंत्रण कानून के वो पक्षधर नहीं है। सीधे पटना का रुख करते हैं। आदित्य झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आदित्य, अब जबकि भारत की आबादी विश्व की सबसे ज्यादा आबादी हो गई है, ऐसे में अब जनसंख्या का मुद्दा सियासी गलियारे में फिर से सुर्खियों में है। देखिए दीपक, बिहार में पहले से ही बीजेपी के जो नेता हैं, चाहे गिरिराज सिंह हो, अश्विनी चौबे हो, या बीजेपी के जो जितने भी हरिभूषण ठाकुर बचौल हो, बराबर बिहार में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग उठाते रहे हैं कि बिहार में इसको लागू किया जाए। केंद्र से भी मांग है कि उन लोगों ने मांग की है कि जल्द से जल्द, जिस तरीके से देश की आबादी बढ़ रही है, अब बहुत ज़रूरी हो गया है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो। लेकिन बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और महागठबंधन के तमाम जो बड़े नेता थे, उनका यही कहना है कि यहाँ पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और बिहार सरकार उसके लिए प्रयत्नशील भी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई बार सार्वजनिक मंचों से कह चुके हैं कि महिला शिक्षा पर इसीलिए हम लोग जोर दिए हैं कि जब घर की महिलाएं पढ़ लिया पढ़, जहां महिलाएं ग्रेजुएट हो जाती हैं या इंटर पास हो जाती हैं, वहां जो प्रजनन दर है उस परिवार का वो कम हो जाता है। तो किसी कानून से नहीं, यहाँ जागरूकता अभियान से ही जनसंख्या नियंत्रण हो सकता है। इस पर लगातार बीजेपी हो चाहे महागठबंधन हो, दोनों के नेताओं के बीच में वाद विवाद होता रहा है। हमारे साथ मौजूद है अभी मृत्युंजय तिवारी हैं, राजद के प्रवक्ता हैं। मृत्युंजय जी, गिरिराज सिंह बता रहे हैं कि वैसे लोग देश की आबादी बढ़ा रहे हैं जिनके यहाँ एक दर्जन बच्चे होते हैं, एक खास विशेष समुदाय के ऊपर उन्होंने कॉमेंट किया। देखिए, जातीय जनगणना, ये सब लोग चाहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण हो। हम लोग भी चाहते हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने से नहीं होगा, जागरूकता समाज में लानी होगी।
लेकिन बीजेपी का कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। बीजेपी को जनसंख्या नियंत्रण से मतलब नहीं है, वो हर चीज में वोटों के ध्रुवीकरण करने के लिए करती है प्रयास, धर्म के चश्मे से देखती है। जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या एक चिंता का विषय है। लेकिन बीजेपी के नेता तो यही कहते हैं कि आप लोग इसका इसीलिए विरोध कर रहे हैं कि जो आप लोगों का मूल वोट बैंक है उस पर किसी तरीके से गलत मैसेज ना जाए, इसी से आप लोग डर रहे हैं। देखिए, हर चीज़ वोट बैंक के लिए ही नहीं होते हैं, हम समाज सुधार की बात करते हैं। शराबबंदी कानून किसने लागू किया? महागठबंधन की सरकार ने। नशा मुक्ति का इतना बड़ा फैसला तो देश किसी राज्यों ने नहीं लिया। तो भारतीय जनता पार्टी की अगर नीयत साफ है और सचमुच में चाहती है जनसंख्या नियंत्रण, तो उनको जागरूकता लानी चाहिए। कानून तो बहुत चीज़ों का बना हुआ है, क्या हो रहा है? कानून बनाने से नहीं, लेकिन बीजेपी इस जनसंख्या नियंत्रण के बहाने किसी और पर निशाना साध रही है। ये हकीकत तो है कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाली देश हमारे जो भारत की गिनती सबसे ज़्यादा आबादी वाली देश में हो गई है। कह रहे हैं कि ये चिंता का विषय है और सब लोगों को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए और जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए जागरूकता फैलानी चाहिए। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, हम लोगों की पार्टी ने लगातार ये बात कही है कि अगर महिलाएं शिक्षित होंगी तो जनसंख्या नियंत्रण में बहुत बड़ा मदद मिलता है। कानून लाने की अब कोई ज़रूरत नहीं है आपके नज़र में? देखिए, कानून बना देने भर से ये ऐसे चीज़ों पर बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिलता है। ऐसे चीज़ों को जागरूकता से ही आप समाज को प्रेरित कर सकते हैं। देखिए दीपक, आरजेडी प्रवक्ता का साफ कहना है कि कानून लाने से जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा, उसके लिए लोगों में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। और बिहार की सरकार जो है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कई जगहों पर बोल चुके हैं और बिहार सरकार लगातार इस पर प्रयास कर रही है कि लोगों के बीच में जागरूकता फैलाई जाए ताकि जो जनसंख्या विस्फोट होने की स्थिति हो गई है उस पर किसी तरीके से कंट्रोल हो सके। दीपक, धन्यवाद आदित्य तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो जनसंख्या का मुद्दा बिहार के सियासी गलियारे में एक बार फिर सुर्खियों में है और इसको लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने है।